मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी संस्कृत विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग 10वीं कक्षा में सेमुशी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक शुचि पर्यावरणम है का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग श्लोक का पाठ करेंगे, पुनः उसका अन्वय, तत्पश्चात श्लोक में आए कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। श्लोक में आए संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद, समास युक्त शब्दों का समास विग्रह तथा प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग भी जानेंगे। तो आइए हम लोग श्लोक शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्यैव जनग्रसनम। अन्वय देखते हैं। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति एव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं नैव स्यात्। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। जीवितम जीना, दुर्वहम मुश्किल, जातम हो गया है, महानगर मध्य बड़े बड़े शहरों के बीच में, कालाय सचक्रम काले रंग का चलता हुआ पहिया, अनिशम रात और दिन, शोषयत सुखाता हुआ, पेशयत पीसता हुआ, वक्रम टेढ़ा, दुर्दान्तई भयंकर, दशनई दांतों के द्वारा, जन ग्रसनम लोगों का नाश। अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में कवि ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। कवि इस भूमंडल पर महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर वृक्ष समूह, लता एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो अर्थ देखते हैं। अन्वय से अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ अस्मिन संसारे इस संसार में जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस कारण से प्रकृति एव शरणम, ये जो प्रकृति है वह ही हमारा एकमात्र आश्रय है, सहारा है। शुचि पर्यावरणम, इस कारण से इस पर्यावरण का शुद्ध होना काफ़ी आवश्यक है। महानगर मध्य कालाय सचक्रम, इन महानगरों के बीच में काले रंग का चलता हुआ जो पहिया, अनिशम रात और दिन, चलत चलता हुआ, मनः मन को शोषयत सुखा सा रहा है, तनु पेशयत मौर शरीर को तन को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा चलता ही रहता है। अमुना दुर्दांत ही दशन ही, इसके भयंकर दांतों से, इसके से तात्पर्य जो चक्के की बात कही है उसकी बात यहाँ उसकी कवि चर्चा करना चाह रहा है। तो इस चक्के रूपी भयंकर दांतों से जन ग्रसनम लोगों का ग्रसनम नाश विनाश ना एव स्यात् कहीं ना हो जाए। इन चक्कों से रात दिन चलते हुए चक्कों से गाड़ियों से कहीं लोगों का विनाश ना हो जाए, कवि यह कहना चाह रहा है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण काफ़ी आवश्यक है। अब श्लोक में आए कठिन शब्दों के जो संधि विच्छेद हैं वो देख लें। प्रकृति रेव, संधि होगा विच्छेद, प्रकृति ही जोड़ एव, पर्यावरण परिजोड़ आवरणम। बच्चों परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है कवर, ढक्कन, ढका हुआ, पर्दा, यानी कि जो हमें चारों ओर से सुरक्षित करता है वह है हमारा पर्यावरण। और शुचि का तात्पर्य होता पवित्र, शुद्ध, इसलिए
हमारे तरफ हमको जो कवर करता है उसका शुद्ध होना काफ़ी आवश्यक है। चलत अनिशम, चलत जोड़ अनिशम, पेशयत भ्रमति, संधि विच्छेद होगा, पेशयत भ्रमति, दुर्दांतैर दशने रमुना, इसका संधि विच्छेद है, दुर्दांतैहि जोड़ दशनैहि जोड़ अमुना। और एक शब्द और है संधियुक्त, स्यान्यैव, इसका संधि विच्छेद होगा, स्यात् जोड़ न जोड़ ए। अब समासयुक्त शब्द, शुचि पर्यावरणम्, शुचि ही च तत् पर्यावरणम्, यह समास विग्रह है इसका, कर्मधारय समास। महानगर मध्ये, महानगराणाम मध्ये, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। दुर्दांतैर दशनैहि, इसका समास विग्रह होगा, दुर्दांतैहि दशनैहि, विशेषण विशेषण विशेष्य कर्मधारय। जन ग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, यह भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे श्लोक में आए प्रकृति प्रत्यय विभाग को देखते हैं। शब्द है जीवितम्, इसमें जीव धातु है और कत प्रत्यय है। चलत, चल धातु है और शत्र प्रत्यय है। पेशयत, पिश धातु और शत्र प्रत्यय है। जातम, जन धातु और कत प्रत्यय है। शोषयत, शुष धातु है और शत्र प्रत्यय है। बच्चों, आप लोगों का ये शोक श्लोक नंबर 1 ये समाप्त हुआ, और गृह कार्य कुछ मैंने दे रखे हैं, वो आप नोट कर लें। कुछ विपर्य पद आपको लिखने हैं, विलोम पद विपर्य, तो 5 शब्द ही मात्र मैंने दिए हैं, आप नोट करें। दुर्वहम, शुचि, सदा, वक्रम तथा जीवितम। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक PDF कॉपी अटैच कर दी गई है, उसमें जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वे सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी गई हैं। उसको आप अच्छे से पढ़ें। मेरे इस वीडियो के पश्चात आपको जो भी डाउट हो उसे मुझे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। अगले वीडियो में श्लोक नंबर 2। धन्यवाद।